नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपने हर किसी से कहते सुना होगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कभी बुरा नहीं होता। तो क्या कभी आपने ये समझा है, कभी सोचा है कि क्या ये पॉसिबल है ऐसा होना? ऐसा क्यों है? क्या सच में ऐसा होता है? तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसका सारा दोष हम हमेशा बाहरी सिचुएशन पे डाल देते हैं कि फलाने मेरे साथ ऐसा किया तो हुआ, या तब मेरा टाइम ठीक नहीं था, या मेरी किस्मत ख़राब थी। हमेशा ही उंगली दूसरे की तरफ रखनी, अपनी तरफ कभी उंगली की ही नहीं हमने आज तक। जो भी होता है वो हमेशा ही आपकी सिचुएशन और आपके रिस्पॉन्स से मिलकर बनता है। सिचुएशन कोई भी हो, आप उसको जैसा रिस्पॉन्स करोगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। ये आप पे डिपेंड है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं। एग्जांपल के लिए, अगर आपका रिस्पॉन्स गुस्से का और गालियों भरा है तो आपको रिजल्ट में भी गुस्सा और गालियां ही मिलने वाली हैं। इसके उल्टा अगर आप किसी से हंस के या प्यार से बात करते हैं तो आपको रिजल्ट में भी वैसा ही प्यार मिलने वाला है जैसा आपने रिस्पॉन्स किया था। तो यहाँ टोटली डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे, आप सिचुएशन को कैसे ले रहे हैं, कैसा उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अच्छे के लिए जो होगा वो अच्छा होगा, अच्छे के लिए बुरा भी होगा तो अच्छा होगा, बुरे के लिए जो भी अच्छा होगा वो बुरा ही होगा, और बुरे के लिए जो बुरा होगा वो बुरा होगा ही। तो ये टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आप अच्छे हो या बुरे हो, ना कि बाहर वाली सिचुएशन पे कि वो कैसी है। ये टोटली आप पे डिपेंड है कि आप अच्छे हो या बुरे हो। बुरे को कोशिश करके भी अच्छा दिया नहीं जा सकता, और अच्छे को कोशिश करके भी बुरा दिया नहीं जा सकता। अब आप बोलोगे कि हमें क्या पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा। तो जहाँ भी अपनी समझ और समर्पण है वहाँ अच्छा है, और जहाँ भी बेहोशी और अकड़पन है वही बुरा है। दोस्तों आपकी लाइफ 10% ऐसी होती है जैसा आप उसे बनाते हो, और 90% ऐसी होती है जैसा आप उसे लेते हो। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए इंस्पायर करते रहिए। बाय।